of Ahlu Sunnah Foundation in Malawi. May I request him to please come on the mic and deliver his speech. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alhamdulillahi rabbil alameen wa salatu wa salamu ala sayyidil mursaleen wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd fa'audhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم All praises are due to Almighty Allah, the Creator, the Sustainer. Peace, blessings and salutations upon the greatest of His creation, Muhammad Rasulullah صلى الله تعالى عليه وسلم. अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पहली बार हिंदुस्तान आया हूँ। मेरी ज़िंदगी का ये पहला सफ़र है और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अगर मैं ये कहूँ कि अमामा सजाना सर पे मुझे सुन्नी दावत इस्लामी ने सिखाया है। हमारे यहाँ मलावी में अकील भाई जो अभी बोल्टन में है, अब्दुल कादिर भाई और कल मेरे एक उस्ताद सैयद मोहम्मद, ये तीन मुबल्लिग मलावी तशरीफ़ लाए थे और मुझे अभी भी याद है कि इन्होंने फरमाया था कि पहले इस तरफ से शुरू करना है, किस तरफ से करना है, किस तरीके से करना है। और मेरे एक और उस्ताद जिनको मैं बहुत मानता हूँ और मेरी तो ये गुजारिश है, बल्कि मैंने बहुत इसरार भी किया था हज़रत मौलाना शाकिर रज़वी साहब से कि हज़रत आप मुझे ये मौका इनायत फरमाएं कि इनको मलावी भेज दीजिए। लेकिन हज़रत ने फरमाया कि नहीं, यहाँ पे वो इदारा संभाल रहे हैं और वो नहीं आ सकते। वो है मौलाना सैयद इमरान साहब, जो महापोली में मैंने इदारा देखा। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने भी मुझे किताबें पढ़ाई है। तो बहरहाल मेरा जाना तो इंडिया से था, जुमेरात को मुझे मेरी वापसी थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इतना बड़ा इज्तिमा छोड़ के मैं चला जाऊं, तो रह के अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हुई। और काम देख के ये ज़रूर मैं कहूँगा आप सब हजरात से कि आप साथ दें सुन्नी दावत इस्लामी का। और याद रखें कि हमें काम से मोहब्बत है, हम सबको काम से मोहब्बत होनी चाहिए। आप देखें कि अगर आज आपके पास उलमा है और बासलाहियत उलमा है, ये बहुत बड़ी नेमत है। अगर आप हमसे पूछे तो हम इस चीज़ में अभी शुरुआत के मरहले में, हम अभी बस कोशिश कर रहे हैं कि अफराद तैयार किए जाए, और ये बहुत बड़ा इनाम है हमारे ऊपर, हम सबको साथ देना चाहिए। छोटा मुंह और बड़ी बात मैं क्या कहूँ, अस्तगफिरुल्लाह, इतने बड़े उलमा यहाँ पे हाजिर है और मुझे ये मौका दिया गया है, तो मैं कुछ अशआर सुनाऊँगा उसके साथ ही। हमारी आदत तो है अंग्रेज़ी में बयान करने की, उर्दू का माहौल वहाँ पे
अंग्रेज़ी है और मेमनी है हमारे यहाँ मलावी में। उर्दू जो है बहुत कम, अब नौजवान जितने हैं वो कहते हैं कि हमें उर्दू समझ में नहीं आती है, ये वहाँ का हाल है। खैर, लेकिन मैं कोशिश करूँगा, मेरी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स पर आप गौर ना कीजिएगा, लेकिन पैगाम को समझ लीजिएगा। अगर मैं ये आप सबसे कहूँ, इफ़ आई एम टू टेल ऑल ऑफ यू दैट वी ऑल हैव अ डेट अपॉन अस, हम सब के ऊपर एक कर्जा है, तो आप उठ के मुझसे ये कह सकते हैं कि आपने ऐसा बड़ा दावा कर दिया कि हमारे ऊपर कर्जा है, हमने किसी से कर्जा लिया नहीं है, हमें किसी को पैसा देना नहीं है। यू कुड बी टेलिंग मी दैट, बट लेट मी रिमाइंड यू दैट देयर इज वन डेट अपॉन ऑल ऑफ अस, हमारे ऊपर एक ऐसा कर्जा है कि अगर हम पूरी जिंदगी कब्र में भी जाएंगे, उससे कब्र कब्र तक, जब तक व्हेन वी एंटर द ग्रेव इवन बिफोर दैट वी कांट पे दिस डेट बैक, हम ये कर्जा अदा नहीं कर सकते, कर्जा अदा नहीं कर सकते। भाई यहां पे मैं कहां मजमे में बैठा हूं कि कब्रिस्तान पे बैठा हूं, सब है ना, आप लोग है ना, तो ठीक है। यहां सुना है कि माशा अल्लाह पब्लिक जो है बहुत एक्टिव होती है, लेकिन अब इसका मुझे मुशाहिदा करना पड़ेगा, अब इस तरीके से अगर होंगे तो ये तो मेरे लिए अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहेगा, तो थोड़ा आप भी जवाब दीजिएगा, ठीक है। ये कर्जा हम अदा नहीं कर सकते, लेकिन ये कर्जा कौन सा कर्जा है, व्हाट डेट इज दिस दैट व्हिच वी कैन नॉट पे बैक, अगर पूरी जिंदगी भी अगर हम कोशिश करें इसको अदा नहीं कर सकते। तो शायर ने बहुत खूब फरमाया है कि खुदा ने मुझे को दिया माँ तेरी दुआओं से, माँ तेरी दुआओं से, ये कर्जा है, अगर हम पूरी जिंदगी खिदमत करेंगे फिर भी वो कर्जा नहीं अदा कर सकते। अल्लाह ताला का फरमान है, वَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا, and we have enjoined man, we have commanded man to be good to his parents, for what? हमने हुक्म दिया, अल्लाह ताला का ये हुक्म है कि हम अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करें, लेकिन उसकी वजह क्या है? हमलतहु उम्मुहु कुरहा, योर मदर कैरीड यू विद पेन, जिस दर्द से हमें अपनी माँ ने उठाया है, और जिस दर्द के साथ, एंड द सेम पेन विच द मदर गेव बर्थ टू अस, हमने जो जन्म लिया है, ये मफहूम मैंने उर्दू में कहा है, लेकिन आप सोचे कि ये कर्जा हम कभी कभी अदा नहीं कर सकते, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं कि हम उन हजरात में हो जाएं जिनको अल्लाह ताला, विच ऑलमाइटी अल्लाह हैज रिगार्डेड एज दोज हु आर रिस्पेक्टफुल टू देयर पेरेंट्स, वो हजरात जिन्होंने अच्छा शुरू किया है अपने माँ बाप के साथ। तो शायर फरमाते हैं, और हम सबको मिलकर ये पढ़ना है ना, खुदा ने मुझे को दिया माँ तेरी दुआओं से, माँ तेरी दुआओं से मिला ने जो भी मिला माँ तेरी दुआओं से, माँ तेरी दुआओं से, सब मिलकर माँ की दुआ जन्नत की हवा, सब मिलकर माँ की दुआ जन्नत की हवा, माँ की दुआ जन्नत की हवा, सब मिलकर जोर से पूरा मजमा, माँ की दुआ। अभी भी बैटरी चार्ज नहीं है लगता है, सब मिलकर चले अपनी माँ की दुआ तो हमें लेनी है ना, चले सब मिलकर बोले, माँ की दुआ जन्नत की हवा, माँ की दुआ जन्नत की हवा, माँ की दुआ। हम दुनिया में बड़े बड़े हजरत को
ढूंढने की कोशिश करते हैं और बेशक करना चाहिए।